Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक horror game, जिस game के अंदर हम लोग एक death loop में फंस चुके हैं और अपना जो game है वो धीरे 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 करके horror होता चले जाएगा. बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो let's go start करते हैं. Welcome everyone to Burger and Fries. हमें ना एक बर्गर खाने का मन था, बट बर्गर की शॉप हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो इसीलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा. बट प्रॉब्लम यह है कि वापस जाने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी है और हमें सुनसान रास्ते से अपने घर वापस जाना है, जहाँ पे रोड पे कोई भी हेडलाइट मीन्स रोड लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है. अपनी साइकिल यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया है. मैं सोच रहा था कि स्ट्रीट पर लाइट्स नहीं होगी, बट ऐसी बात नहीं है, स्ट्रीट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट है. मेरी साइकिल में बेल है जिससे मैं रिंग कर सकता हूँ, ताकि सामने अगर कोई गाड़ी वाड़ी आए तो हम लोग उसे साइड होने के लिए बोल दें, क्योंकि अपनी साइकिल में बहुत तेज भगा के जाने वाला हूँ. गेम की स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी और मुझे लग रहा था ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये हमारे साथ चलेगी. स्ट्रीट लाइट गाइस है, कहीं कहीं पर बीच बीच में पोल नहीं है, चलता है यार इतनी थोड़ी बहुत. जैसे अगर हम गाँव वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं होती, ऐसे सुनसान हाईवे होते हैं जिसमें सच्ची में जाने में डर लगता है. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत ज़्यादा सुनसान हाईवे पे गए हो, आपको डर लग रहा हो? हेलो अंकल. इतना भी ज़्यादा सुनसान नहीं है, गाड़ी अपना आ जा रही है. खैर एक ही गाड़ी मुझे अभी तक दिखी है, बट ठीक है. साइकिल अपनी एकदम मस्त चले जा रही है. हमने रेड कलर के वो टॉप पहना हुआ है, एंड टॉप पता नहीं मैं स्कीम में लड़की हूँ या लड़का. हाँ मतलब सामने एक साइकिल गिरी हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है शायद यहाँ पे, या फिर कोई साइकिल अपनी ऐसे छोड़ के चला गया, पता नहीं यार क्या सीन है. मुझे रुकना नहीं है यार. हेलो, ये गेम धीरे धीरे हॉरर होता जाएगा, बस मुझे इस गेम के बारे में इतना मालूम है और वो धीरे धीरे हॉरर हो गया. अभी तक मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा था. सामने कोई साइकिल पर अंकल जा रहे हैं. हेलो अंकल, एक बार ही रुक लो, दोनों साथ साथ चलते हैं यार, बढ़िया रहेगा. आपको भी थोड़ा बहुत डर तो लग रहा होगा इस अंधेरे में. हम दोनों अपना डर शेयर. ये क्या हुआ? इट्स लेट, आई शुड हेड होम. क्या लिखा है ये पता नहीं, बट हाँ मुझे ये भी मालूम है कि इस गेम के अंदर हम लोग एक डेथ लूप में फंसेंगे. शायद ये वही डेथ लूप तो नहीं है. मुझे कुछ खास हॉरर नहीं दिखा. सामने एक अंकल जा रहे थे साइकिल वाले, उन अंकल का मैं बस पीछा कर रहा था, बट तभी हम पता नहीं डेथ लूप में वापस आ गए या क्या हुआ, बट ठीक है. अभी हम लोग उसी रास्ते पर वापस जा रहे हैं, देखते हैं अपना गेम थोड़ा बहुत और हॉरर होता है या फिर क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. खैर रास्ता तो एकदम सेम है. ये राइट साइड में गाइस ये कुछ आया, ये लास्ट टाइम भी था ना शायद से, पता नहीं. ठीक है मेरे को इतना, वैसे भी वो एक नकली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बस ऐसे चिड़िया विड़िया को डराने के लिए किया जाता है, ताकि वो खेत में आके जो राशन वगैरह होता है उसे खा ना जाए, मतलब अनाज को खा ना जाए. खैर ठीक है, अभी मेरे को उससे मैं खाली भी ली इतना ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ. हेलो अंकल, आप फिर से आ गए. खैर हाँ ये एक लूप है तो मुझे बार बार ही दिखने वाला है. फ़िलहाल अभी मैं अपनी गाड़ी मतलब अपनी साइकिल लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, पर मुझे कुछ भी ऐसा कुछ खास हॉरर नहीं देखने को मिल रहा है इस गेम में. यहाँ पर साइकिल अभी भी दोबारा से गिरी हुई है, बट वेट, इस बारी इस साइकिल में मुझे ब्लड देखने को मिला और वो ब्लड में मुझे फुटस्टेप्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ओ वेट सामने गाइस वो देखो सामने. मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, पीछे ब्लड है. वो जो लड़की सामने खड़ी है उस लड़की के पैरों में वो ब्लड लगा हुआ है. हंसो मत ऐसे भाई, हेलो गायब हो गई. मेरे को साइड से निकालूंगा मैं साइकिल, अभी गायब ही होगी वो तो. हाँ तो मुझे इस डेथ लूप से बाहर निकल के अपनी जान बचा के घर पे पहुंचना है. भाई मैं फिर फंस गया शायद, ये क्या हो रहा है? ओ वेट, इट्स लेट, आई शुड हेड होम. एक ही चीज बार बार ही लिख कर आ रही है. और इस बारी गाइस आपने नोटिस करा कि रेस्टोरेंट की लाइट लास्ट टाइम तक जल रही थी, बट इस बारी रेस्टोरेंट की लाइट बंद हो गई है. कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सीधा जाने वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं. तो अभी मैं वापस से उसी रास्ते पे अपनी साइकिल फुल मस्ती में चलाता हुआ जा रहा हूँ. भाई ये कसम से
बहुत ज़्यादा अजीब साउंड था, बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं इस वीडियो को रात के 2-3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे थोड़ी बहुत हालत ख़राब रहती है इस टाइम पे, बट फिर भी ठीक है यार, आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। अबे पागल है क्या बुड्ढे, 2 बार तो ये नॉर्मल गया था। बे यार साइकिल गिरा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो किसी ने धक्का नहीं मारा, वो मैंने खुद ही गलती से राइट में साइकिल गिरा दी। वो अंकल जी मुझे 2 बारी गाड़ी में जाते हुए दिखे थे, बट इस बारी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अंकल अपना सर गाड़ी में भीड़ रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड था, इस टाइम यहाँ पे 3-4 लीटर ब्लड गिर चुका है। ये सही में धीरे धीरे मेरे को रुला देगा गेम। मैं इस गेम को जितना ज़्यादा खेलते जाऊँगा ये उतना हॉरर होते जाएगा, मुझे उतना डर आएगा। मुझे किसी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ओ वेट, यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था ना गाइस, अभी इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन जा रही है, ट्रेन जल्दी जाना यार, या तो मुझे भी बैठा ले साथ में, हम दोनों फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अभी एक सेकेंड, ये कहाँ से है, ये कहाँ को जाएगी, पागल लड़के मुझे मरवाएगी। हेलो ये भाई, ये धीरे धीरे पास क्यों आ रही है, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम। मैं इसकी शक्ल देखनी है मुझे, गायब हो गई, भागो। ओ बे भाई ये क्या है, पूरी की पूरी ट्रेन के विंडो में ब्लड वाले हैं, वो ट्रीज गिरे हुए हैं। ओ भाई सही है, हॉरर होते जा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शायद से अपनी साइकिलिंग अभी सही से करनी है। साइकिल प्लीज मेरा साथ दे, अगर मैं इसे सही से ड्राइव करूँगा तो शायद मैं डेथ। ओ वेट ये क्या था, मुझे मकड़ी की तरह चलते हुए आए, मैं पता है इसे जान मुझ के फनी वे में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। भी यार रुक जाओ, ठीक है 5-6 अलग अलग तरीक़ों से उसने मेरे को डराने की कोशिश करी है चल के आके, बट मैं एक से भी नहीं डरा हूँ, ठीक है। ओ साइड साइड साइड, मैं अपनी साइकिल में बेल भी मार सकता हूँ। हम लोग फिर उस डेथ लूप से वापस आ गए, और इस बारी गाइस ये देखो, पहले यहाँ की लाइट्स बंद हुई और फिर से वही इट्स लेट्स आई शुड हेड होम, यानी कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये जितना ज़्यादा अजीब तरीके से लिख कर आएगा, क्या हमें उतना ज़्यादा आगे हॉरर चीज़ देखने को मिलेगी। इसकी विंडोज़ के शटर भी डाउन हो गए हैं गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये गेम धीरे धीरे कितना ज़्यादा हॉरर होते जाएगा और मैं इस गेम में कब तक टिक पाऊंगा। बाकी आप लोगों ने उस गाड़ी में नोटिस करा, इस बारी वो अंकल नहीं थे, इस बारी वो पागल लड़की जो थी ना मुझे मरवाएगी वाली, वो बैठी हुई थी। बाकी यहाँ पर ब्लड है, बट इस बारी यहाँ पे साइकिल नहीं है। ओके साइकिल का वो, हेलो क्या है ये, क्या है ओ भाई, वो एक फिर पीछे है क्या वो, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अगल बगल कोई साइकिल चल रही है। मैं एक टनल में आ चुका हूँ, मुझे टनल में बिल्कुल नहीं जाना है भाई यार। ओ नाइस, टनल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पीछे से इतनी शांति क्यों हो गई, मुझे इतनी शांति अच्छी नहीं लग रही, मेरे कानों में शोर ही बजाओ भाई। बाकी राइट साइड में एक फ्लाई ओवर नहीं, एक्चुअली मैं एक ब्रिज पे हूँ, और राइट साइड में कुछ ये बॉल्स उड़ रही हैं, ये क्या है, ये कुछ मेरे को बॉल्स, ये बॉल्स नहीं है, ये एक्चुअली में घोस्ट की आईज है। ये ध्यान से देखो ये आईज है, मैं इसको नहीं देखने वाला हूँ भाई, मैं इसको नहीं देखने वाला हूँ, मैं इस टाइम मेरा मन कर रहा है बस मैं नीचे देखूँ। वेट पीछे से मेरी गाड़ी आई क्या, पीछे से वो यार वो जो गाड़ी बगल से गई थी वो पागल भूतनी गाड़ी मेरे पीछे लेके आ चुकी है। मैं गया इसकी गाड़ी में क्या लगा हुआ है भाई, तो खा जाएगी। मैं उल्टा होके ड्राइव करने वाला हूँ इस टाइम, लेकिन नहीं, अगर मैं उल्टा होके ड्राइव करूँगा तो शायद आगे जो आगे इसमें कुछ वार्निंग मार्क इस चीज का था कि आगे रोड खराब है, रोड पूरा टूटा हुआ है, अगर मैं हल्का सा भी इधर उधर गया तो मैं गिर के मरूंगा, बट अगर मैं ब्रेक भी मारता हूं तो ये मुझे खा जाएगा। पीछे रेड मून भाई, ओ रेड भाई, भाई क्या हो रहा है, रेड मून से मैं भी फुल कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ अपनी साइकिलिंग पे।
लेट्स गो। ये कैसे टूटे फूटे ब्रिज आ रहे हैं। शायद मैं अच्छी साइकिल चला पा रहा हूँ तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अबे तेरी गाड़ी कैसे निकल कर आ जा रही है इतनी पतली पतली जगह से। मेरे को तो साइकिल टर्न करने में इतना अजीब सा लग रहा। ओ तेरी भाई, नहीं 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 नहीं, हो गया। क्या ये सब ख़त्म? पीछे से वो भी गायब। मेरे को सामने से आएगी। मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, मैं तेरे से डरने नहीं वाला, ठीक है? मैं नहीं डरने वाला। मुझे कहाँ तक जाना है? वापस इट्स, अभी तो कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। इट्स लेट्स, आई शुड हेड होम। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमें जल्दी जल्दी घर पहुँचना है। बार बार एक ही चीज़, पर हम एक बार भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। और अपना टेक्स्ट जितना ज़्यादा गंदे तरीके से हमें दिखता है। लास्ट टाइम तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत डरा था जब वो साइकिल लेकर फर्स्ट टाइम मेरे आगे आए थे और जब कार लेकर मैं आगे आए थे। बट इस टाइम क्या होने वाला है कोई आइडिया नहीं। शायद उसे डबल हॉरर हो। बाकी राइट साइड में वो चीज़ अभी भी यहाँ पर है। इसको क्या कहते थे, स्केयर क्रो ही कहते थे। मैं इसका करेक्ट नाम भूल गया हूँ। वो अंकल जी की साइकिल आई जो मुझे फर्स्ट टाइम दिखी थी। आप अंकल जी हो या वही भूतनी हो? अबे रोक भाई, मेरे से तेज कैसे चला रहे हैं। अंकल, मैं बेल बजा रहा हूँ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो, गायब हो गया। पता नहीं यार, मैं लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँच गया था, बट मेरे पीछे कोई है। कोई नहीं। अबे आगे देख, क्या कर रहा है भाई, आगे देख के चलानी है मुझे। यार मैं सही बताऊँ, ऐसा लग रहा है ना जैसे रास्ता बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और ये देखो, हमें ऐसी कोई टनल नहीं देखने को मिली थी। अभी लास्ट टाइम अपना रास्ता एकदम स्ट्रेट था, ब्रिज वगैरह आया था। बहुत गंदी आवाज़ आ रही है उस टनल में से। टनल ख़त्म हो जा प्लीज। ख़त्म हो गई, वाह। मेरी बात ख़त्म होने से पहले दूसरी टनल शुरू हो चुकी है और सामने साइकिल बनी हुई है। क्या वो भूतनी इस बारी मेरे सामने दोबारा उस साइकिल पे प्रकट होने वाली? पर कुछ भी, क्या हुआ ये? अच्छा मैं मरा नहीं। अंकल जी पता नहीं भूतनी है वो क्या है। हाँ भूत ही होगा, मेरे को साइकिल से ठोक के गया, कोई फर्क ही नहीं मेरा। अभी मेरे बर्गर में सॉस बक कौन आ रहा है? ये कोई तो भाई साहब डायनासोर आ रहा है लग रहा है। वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, भगा साइकिल। अबे यार रुक जाओ, ये रेजिडेंट एविल विलेज देखी है ना तूने मेरी? इसने गाइस अपनी रेजिडेंट एविल विलेज वाली सीरीज देख ली है। ये तभी इतना ज़्यादा इसका दिमाग खराब हो चुका है। यार रुक जाओ, मेरे को इससे कसम से अभी डर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, लग रहा है। तुम लोग कौन हो? हेलो, अबे ये तो अलग ही कंकाल है। मैं सोच रहा था कोई ऐसे ओल्ड टाइप अंकल साइकिलिंग कर रहे हैं रात को। अबे ये क्या है, पागल हो क्या भाई? बीचारा, अबे ढंग से चला ले, रैपटा पड़ेगा भी तेरे। मेरे को आगे जाने दो, ठीक है? बाकी आके यार ये पूरी स्क्रीन मेरी, पीछे को कुछ नहीं दिख रहा। अबे सीधे चला ले यार, क्या कर रहा है देखना इसको, कैसे टेढ़ी मेढ़ी साइकिल चला रहे। अगर मैं भिड़ के गिरा ना, सब पिट हो गए तुम। मैं वैसे मारूंगा वैसे इन लोग को। ये देखना इसको कैसे चला रहा है। अबे यार तो कुछ चला ले, मेरे को चलाने दे। बाकी यहाँ पर जितने भी साइकिलर्स हैं वो सारे के सारे रुके हुए हैं। बाकी आगे कोई डेंजर टनल है, मैं इसके अंदर क्यों जा रहा हूँ? इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं होनी चाहिए थी इस बार। टनल छोटी होती जा रही है ऐसा लग रहा है। पता नहीं टनल छोटी होती जा रही है, सिर्फ मेरा वहम है, ये कोई इल्यूजन हो सक। अबे यार ये गाड़ी कहाँ से ले आई इसके अंदर? अभी तक तो ये अलग ही मॉन्स्टर बनी हुई थी। मुझे नहीं लगता मेरे को इसका नेक्स्ट राउंड प्ले करना चाहिए। नहीं मैं करूँगा नहीं यार, बेकार हो जाएगा, पता चला रात में नींद नहीं आ रही इसके चक्कर में। ठीक है ट्राई करेंगे अभी फ़िलहाल में। कहा ये हाथ किसके निकल रहे हैं भाई? यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, गाड़ी सामने से। उसकी गाड़ी सामने से कहां से आ गई? ये सच्ची में मुझे गाइस, मुझे लग रहा है ये प्ले नहीं करना चाहिए। सब कुछ रेड हो गया है एंड ब्लैक है और काफी गंदा साउंड इफेक्ट आ रहा है। इट्स टू लेट,
आई शुडंट गेट होम, इस बार नहीं आया, आई शुड हेड होम। अभी के लावा है क्या? पता नहीं ये क्या है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी और ही प्लैनेट पे आ चुका हूँ। बाकी ये मेरे अगल बगल वो आ तो गए हैं, पर ये क्या है भाई, दुनिया ही बदल गई इस बार पर तो। पर इस बार कोई डर तो लग रहा है, पर इन जगहों से, ये भूत से डर नहीं लग रहा। ये इतना अजीब हॉरर गेम हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। अगर इस बार इतना हॉरर है तो नेक्स्ट टाइम इसका क्या होने वाला है। मेरे पीछे तो कोई नहीं है ना, पीछे से मत आना, सामने से आके मेरे को डरा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे से धप्पा नहीं यार, मैं छुपन छुपाई में मेरे को नहीं पसंद। वो साइकिल वो ढंग से चलानी होगी, मजाक में नहीं। वो सामने कोई सर्कल है, शायद हमें उस सर्कल में जाना हो और यही इस गेम का एंड हो, तो इसलिए मैं साइकिलिंग पे फोकस करता हूँ। यार एक बर्गर इतना भारी पड़ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था कभी। खैर, ओह वेट, ये कुछ किसने उठाया मेरे को, मेरे दोनों हाथ से खींच लिया किसी ने। हेलो हाय, मैं नहीं डर ही नहीं रहा मैं। क्या ये क्या नाम, बहुत अच्छा, बढ़िया डांस है नहीं? ओह वाओ, अच्छा लग रहा है। कुछ करना है मेरे को? मैं ओह वाओ, मैं इस गेम में एक लड़की था, ठीक है। खा गया है तू, लेकिन मैं जिंदा हूं। तू तो एक्टिंग कर रहा है नहीं? ओ मैं भाग रहा हूं, खत्म ना, गेम एंड नहीं हुआ है, सब सपना था। ओके, शायद से सपना था। समझ? Oh wait, have a nice meal। मुझे बताने की जरूरत नहीं है गाइस, आप लोग खुद समझ गए होंगे। भाई क्या मस्त स्टोरी थी भाई इस गेम की। मुझे लग रहा था कि ये एक हॉरर एंडलेस गेम है। खैर एंडलेस तो नहीं हो सकता, बट मुझे लग रहा था बहुत सारे स्टेज होंगे और गेम धीरे धीरे हॉरर होता जाएगा, बट नहीं, ये एक छोटा सा स्टोरी मोड गेम था। काफ़ी ज़्यादा मजा आया। तो हाँ यार, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना इस टाइप के गेम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ना 10 आउट ऑफ मार्क्स में बताना। बाकी हाँ यार, आज के वाली वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हो जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है जल्दी से दबा दो, और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाकी आज के वाली वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।